दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि नए अपार्टमेंट में शिफ्ट करता है। लड़के का नाम रोब होता है जो कि कुछ बॉक्सेज उठा के अपने घर में अरेंज कर रहा होता है, और वहीं पे उसकी पार्टनर होती है जिसका नाम गेल होता है। गेल रोब को एक ओल्ड फ्रिज के बारे में बताती है जो कि उस अपार्टमेंट का ओनर वहाँ पे छोड़ के चला गया था। और जैसे ही रोब उस फ्रिज को देखता है तो गेल को बोलता है कि ये फ्रिज हमारे फ्रिज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, ये पुराना फ्रिज है, इसकी मोटर भी ऊपर रखी हुई है। जबकि गेल उसकी बातों को नज़रअंदाज करके उससे वाइन पीने के लिए पूछती है। रोब जैसे ही आइस लेने के लिए फ्रिज को खोलता है, वो फ्रिज को देख के एकदम से चौंक जाता है क्योंकि आइस बुरी तरह से जमी हुई थी। तो रोब दो आइस क्यूब्स लेके ड्रिंक्स में मिला देता है, लेकिन ड्रिंक का पहला सिप लेने से पहले ही रोब को ग्लास में कुछ अजीब सा दिखता है और वो आइस क्यूब निकाल के गेल को दिखाता है और उससे पूछता है कि तुम देखो इसमें क्या है। और जैसे ही गेल उस आइस क्यूब को देखती है वो भी बड़ी हैरान हो जाती है। इन दोनों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, इसलिए एक लेंस उठा के लाते हैं और उससे देखते हैं कि उस आइस क्यूब में एक महमूद मरा पड़ा हुआ है जिसको भालों से मारा गया है। इसके बाद गेल फ्रिज की तरफ दौड़ती है और वो उस आइस क्यूब्स को हटा के देखती है और उसे कुछ अजीब सा ही दिखता है। उस फ्रिज में जब वो दोनों देखते हैं तो उन्हें फ्रिज के अंदर एक पुरानी सभ्यता की दुनिया दिखाई देती है जो कि बहुत ही तेज गति से चल रही थी। ऐसा इन दोनों ने पहले कभी कुछ नहीं देखा था और ये फ्रिज के अंदर की इस छोटी सी दुनिया को देख के बहुत ही खुश होते हैं। और रोब गेल को बताता है कि ये दुनिया कुछ ज़्यादा ही तेज गति से चल रही है। और रोब उस महमूद की लाश को अपने गमले में दफन कर देता है और बहुत ही दुखी होता है मन ही मन में। लेकिन गेल उसे समझाती है कि इसे तो जाना ही था क्योंकि भाले लगे थे। लेकिन जब दोबारा से वो उस फ्रिज को खोल के देखते हैं तो उन्हें कुछ अलग ही दृश्य दिखाई देता है, क्योंकि अभी जो दुनिया इस फ्रिज में चल रही थी वो पहले वाली दुनिया से काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी। पहले जहाँ पे जंगल और वो छोटे छोटे मकान थे उनकी जगह बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज लग चुकी थी। और ये सब देख के गेल और रोब भी हैरान हो जाते हैं कि इतनी जल्दी इंसानों ने कैसे तरक्की कर ली। और देखते ही देखते वो इंडस्ट्रीज भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में तब्दील होने लग जाती हैं। और तभी इन दोनों को फ्रिज में दो आदमी बैठे दिखाई देते हैं। इन दोनों को ऐसा लगता है शायद ये इस दुनिया के भगवान हैं, जबकि वो दोनों आदमी इन दोनों के मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि गेल के मुंह में देखो जो ब्रोकली है वो कैसी लग रही है। और देखते ही देखते फ्रिज के अंदर की दुनिया की टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। और जब गेल और रोब देखते हैं कि इन लोगों ने प्लेन भी बना लिए हैं और जब वो प्लेन को उड़ता देखते हैं इधर उधर, तो इन्हें अंदाज़ा होता है कि इन्होंने हमारी दुनिया की बराबरी कर ली है। और देखते ही देखते उस दुनिया में एक न्यूक्लियर बम आकर गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है, जिस ब्लास्ट के कारण रोब को भी चोट लगती है क्योंकि भाई साहब फ्रिज के कुछ ज़्यादा ही नज़दीक खड़े हुए होते हैं। और जिसे देखकर रोब को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन देखते ही देखते वो परमाणु बम इतना तगड़ा फटता है कि उस दुनिया का सब कुछ तबाह हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ गेल को रोब की लाल शक्ल देख के हंसी आ रही होती है। और फिर इन दोनों का ध्यान फ्रिज में हो रही न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाता है और इनका मन बहुत ही दुखी होता है ये देख के कि सब कुछ तहस नहस हो रहा है। और फिर गेल इस फ्रिज को बंद कर देती है। फिर गेल रोब को कुछ खाना ऑर्डर करने के लिए कहती है और वो पिज़्ज़ा लेके आते हैं और पिज़्ज़ा खाने लग जाते हैं। कुछ देर बाद गेल दोबारा बोलती है कि चलो फ्रिज में देखते हैं, क्या पता वॉर बंद हो गया हो। और जब वो दोनों फ्रिज खोल के देखते हैं तो उन्हें कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। फ्रिज के अंदर की दुनिया ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली थी कि कार्स भी हवा में उड़ रही थी और वो ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे जो अभी तक बाहरी दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन देखते ही देखते उस सारी दुनिया के बीच में एक पिरामिड बनने लग जाता है, जो कि बनते बनते बहुत बड़ा पिरामिड बन जाता है। और देखते ही देखते वो दुनिया की सारी इलेक्ट्रिसिटी, सारी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। और कुछ ही देर में सारी दुनिया उस पिरामिड के अंदर समा जाती है जो कि एक गोले का आकार ले लेता है। और उसी गोले से रोशनी निकल के इनके रूम में फैल जाती है, जिसे देखकर रोब और गेल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में वो रोशनी वापस से गोले का आकार लेके उस फ्रिज में जाके गायब हो जाती है, जिसे देख के अब इन दोनों का मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि अब फ्रिज की दुनिया थी जो हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। और तभी रोब गुस्से में आके फ्रिज का प्लग निकाल देता है। फिर रोब और गेल दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और लाइट बंद करके फ्रिज बंद करके दोनों किचन की तरफ जाते हैं और वहाँ जाके कॉफ़ी बना के पीते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड थे कि वो दुनिया अब कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन फिर भी उनका मन उनकी बात नहीं सुन रहा था और उनसे रहा नहीं जा रहा था, तो वो दोबारा जाके फ्रिज को खोल के देखते हैं। और जैसे ही वो फ्रिज खोलते हैं तो वो देखते हैं फ्रिज के अंदर एक बहुत बड़ा डायनासोर मरा पड़ा हुआ था और कुछ बंदर की शक्ल के आदि मानव उस डायनासोर का मांस खा रहे थे कि तभी एक बड़ा सा डायनासोर वहाँ पे आता है
और बंदर की शक्ल जैसे दिखने वाले सारे आदिमानवों को खा जाता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से इस मूवी से हमें ये पता चलता है कि हम मानवों ने अपनी दुनिया को कितना ज़्यादा नष्ट कर दिया है। हम डेवलपमेंट के चक्कर में कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं अपना। हमने टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है कि वो हमारी ही धरती को ख़त्म करने पर तुली हुई है। और उस टाइम जो मूवी में सीन दिखाया गया था, जो कि एक पिरामिड ने पूरी दुनिया को अपने अंदर समा लिया था, मुझे जहाँ तक लग रहा है वो कोई एलियन की साजिश थी। क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी के इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है कि हमारी पूरी दुनिया आने वाले समय में एलियंस के कंट्रोल में होगी। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मूवी और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में।